Thank you.
गणपति बप्पा भोलिया गणपति बप्पा भोलिया गणपति बप्पा भोलिया मंगल मूर्ति भोलिया मंगल मूर्ति भोलिया मंगल मूर्ति भोलिया मंगल मूर्ति भोलिया गणपति बप्पा सबसे पहले तो मैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट और सारे श्रद्धालुओं की ओर से सारे संसार को इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हैं कि आज के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। धरती पर वो आए थे लोगों के सारे कष्ट दूर करने के लिए, और इसी प्रथा को लेकर ये एक प्रथा बनी थी कि हर साल इस दिन मूर्तियों की स्थापना होगी घर घर में, मंदिरों में, और बाकी भी जहाँ जितनी की आम जगह हैं वहाँ पर, जहाँ जहाँ लोग निश्चित करें वहाँ पर होती है और फिर पूजा चलती है। उसके बाद पूजा अर्चना के बाद ये 11वें दिन विसर्जन होता है, और उसी प्रथा को लेकर श्री लक्ष्मी मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट ने फैसला किया था, और आपके सामने भव्य मूर्ति की स्थापना यहाँ की गई है। प्राण प्रतिष्ठा हमारे पंडित साहिबान ने बड़े मंत्र उच्चारण के साथ वो की है। आज कलश यात्रा भी हमारी माताओं ने बहनों ने की, और उसके बाद उसकी स्थापना की है। और अब रोज़ यहाँ पर गणेश जी को ये प्रार्थना की है हमने कि वो विराजमान रहें, और रोज़ यहाँ पर सुबह भी पूजा अर्चना होगी, आरती होगी, दिन भर प्रोग्राम चलता रहेगा दर्शन करने का, और शाम को महाआरती होगी। पहले पूजा होगी, उसके बाद रोज़ महाआरती होगी। तो मैं भगवान गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इस शानदार प्रांगण के अंदर हमेशा विराजमान रहें, जब भी धरती पर आएँ हमें अपनी कृपा से हमेशा निहाल करते रहें, और सारी दुनिया को, खासकर भारत माता का ये मुकुट जो हमारा प्रांत है जम्मू कश्मीर, इसके अंदर जो भी इस वक्त कोई बुरी शक्तियाँ यहाँ कोशिश कर रही हैं यहाँ आने की और लोगों को यहाँ मुश्किल में डालने की, उनका खात्मा करें, और हमेशा उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक।